बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम आए हुए थे दरियागंज, जो हमारे मतलब एक एसडीएम ऑफिस है। तो हमें यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन काम होता है। सो गाइस है ना यहाँ पर ऑनलाइन जो काम था ना, मेरे का इनकम सर्टिफिकेट का था, तो वो बनवाने आए थे। सो गाइस है ना लाल किला के पास है। सो गाइस आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कुछ चीज़ें भी। तो यहाँ पे कई सारा जाम भी यहाँ पर लगता है, बहुत सारा आप देख सकते हैं। इस तरफ बहुत जाम भी लगता है, सामने उस तरफ पेट्रोल पंप है और आगे से उस तरफ जाके ना वो एसडीएम ऑफिस है वहाँ पर, जो जहाँ पर ऑनलाइन काम होता है। तो आप अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस मतलब कोई भी काम करवाते हैं ना अप्लाई, तो आपको ना यहीं पर आना पड़ेगा दरियागंज। तो भाई जब मैं यहाँ पर लाल किले के पास हूँ, तो भाई आपको मैं बाहर से दिखा लाल किला दिखा सकता हूँ, बस थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। इस तरफ तो भी सारा खाली ही पड़ा हुआ है, मतलब इस तरफ कुछ भी नहीं है, ग्रिल वगैरह है। सो भाई आपको आगे ले चलते हैं। तो भाई मैं आपको आगे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो लाल किला दिखने वाला है नहीं। मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ, आगे ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बस स्टैंड है और कुछ कार्स वगैरह हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कैसे आपको आगे से दिखा रहा हूँ लाल किला, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा हमें। तो कैसे यहाँ पर हमारे 3 घंटे बर्बाद हो गए हैं। आपको आगे से इस तरह आप देख सकते हैं कई सारी शॉप्स हैं, छोले भटूरे की भी है, आगे गोलगप्पे की शॉप है और इस तरफ काफ़ी सारी मतलब शॉप्स लगती है। और जो उस तरफ है उस तरफ मार्केट है, यहाँ मतलब यहाँ से जो है कुछ भी दिख नहीं रहा, हमको उस तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास उस तरफ जाने का। तो भाई आपको इस तरफ से ही दिखाएंगे। सो गाइस अभी इस तरफ मैं लाल किले थोड़ा सा आगे हूँ और आगे मेरे सामने है ना जामा मस्जिद है। सो गाइस इस तरफ से तो कुछ दिखने वाला है नहीं, जो जामा मस्जिद के लिए हमें उसके लिए ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं। और आपको मैं लाल किले को इस तरफ से दिखाता हूँ। तो कहीं जब देखिए सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाली एकदम कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमें ना आगे जाना पड़ेगा उस तरफ, उस तरफ से लाल किले का फ्रंट है, जो फ्रंट है वो हमें दिखेगा। और जो उस तरफ राम मस्जिद है तो उसके लिए हमें ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। और लेकिन कुछ है भी नहीं, मतलब इस तरह से टाइम ही नहीं हमारे पास जाने के लिए। हम मतलब है ना कुछ दिन बाद घूमने आएंगे राम मस्जिद और तब आपको वहाँ पर घुमाने ले चलेंगे। तो गाइज हम आ चुके थे, मतलब हमें भूख लग रही थी। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है छोले भटूरे की शॉप और यहाँ पर 30 के 2 दिखा रखे रायता वगैरह। तो भैया एक प्लेट बना दो हमारे लिए। तो भैया बनाएंगे इसमें, आप 2 पीस खाएंगे, 3 पीस खाएंगे, वाटर भी है और 20 रुपीज है, 2 रुपीज है, 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, कितना लेंगे आप? भैया हम छोले भटूरे खाने आए हैं तो ना हम छोले भटूरे खाएंगे। हेलो भैया आपको दे दो इनको, भाई को गरम गरम छोले भटूरे दे दो भैया, गरम गरम निकाल लें हैं। सो गाइज हमें छोले मिल चुके हैं और छोले भटूरे मिल गए और एक रायता भी दे देना, ठीक है भैया? सो गाइज हमें एक रायता, तो गाइज रायता है नहीं भैया के पास, ठंड है ना ज्यादा, तो इसी से कस्टमर आते नहीं है ठंड में। भैया रायता तो रायता भैया रखते ही नहीं ठंड में, तो भटूरे निकाल रहे। तो गाइज देख कितने अच्छे सजा रखा है, मिर्च वगैरह टमाटर ये सब लगा रखा है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छी दुकान है ना, काफ़ी अच्छी तरीके से सजा रखी है भैया ने अपनी, काफ़ी अच्छी तरीके से। तो गाइस छोले भटूरे खा के फिर आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं काफ़ी सारी जगह। गाइस हमने छोले भटूरे खा लिए, छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे, तो भैया का भी शुक्रिया भैया, आपका थैंक यू बहुत बहुत, आपने खिलाया छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे भैया आपका भी। और अंकल की दुकान से पानी पिया हमने, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, ओके थैंक यू। सो भैया ने भी थैंक यू बोला। तो गाइस आगे चलते हैं भैया, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो गाइस अब आगे चलते हैं, आगे दे आपको लाल किला दिखाएंगे। गाइस लग रही थी भूख, सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने और ऐसे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भाई, कम से कम 2.5 किलोमीटर तो हमने चल लिया हुआ कम से कम सुबह से, बताऊँ तो मैं आपको। और आगे चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाल किले के सामने और उस तरफ है लाल किला, आपको दिखाते हैं। सो गाइस उस तरफ है लाल किला और सामने चल रहा है मेला। सो गाइस यहाँ पर रोज 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 मेला होता है। सो गाइस हम आपको दिखाते हैं मेला। तो गाइस है ना आज हम गाइस बोलना बंद करेंगे और बोलना शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम है ना पहुँच गए मेले की तरफ और मेला आपको दिखाते हैं। बहुत तेज गाना बज रहा है, तो बहुत तेज आवाज आ रही है, आपको आगे लेकर चलते हैं। तो गाइस हम आगे से वीडियो बना रहे और इस तरफ देखिएगा। तो दोस्तों ये सब खिलौने हैं, तो इस गेम में क्या होता है, हमें एक बॉल लेनी होती है और इसके लिए डालना होता है, तो जितने नंबर में बॉल जाती है तो उतने नंबर पे जो सामान है वो हमें मिलता है। और इस तरफ तो आपको पता ही होगा
यहाँ पर रिंग डालने से जिसमें रिंग गई वो चीज आपको मिलती है। तो ये सब गेम खिलाते हैं। और यहाँ पर है ये झूला इस तरफ, और ये वो वाला, और अब आपको आगे लेकर चल रहे गाइस। ओ सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों ये फायरिंग वाला है, आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों ये गन जो है, इस गन से हमें इस पे फायर करना होता है। और भैया क्या मिलता है फायर करने से? बस शॉट मिलता है 50 के 10। 50 के 10? अच्छा 50 के 10 मार दिए, फिर क्या करना पड़ेगा? बस निशाना लगाना होता है। अच्छा, अच्छा। अपना निशाना ट्राई करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा है, बुरा है, एक सीखना कह लो। अच्छा अच्छा, सो गाइस एक तरह से ये प्रैक्टिस है हमारी, मतलब टारगेट की। और आपको आगे लेकर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। और ये, और गाइस इस तरफ भी झूले हैं, और सामने ये जो झूला है गाइस, इस पे मेरे को बहुत डर लगता है। तो बहुत 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 डर लगता है इसके ऊपर जाने में, मेरे को तो सांस ही फूलती है मेरी। और ये इस तरफ कुछ हॉन्टेड का बना रखा है, पता नहीं है मेरे को। और ये पानी के लिए, तो इसमें बच्चे अपनी आप खुद बोट चलाते हैं और घूमते रहते हैं। अब आपको आगे लेकर चलते हैं, और आगे ये है, आप कार देख रहे हैं घूमने वाले है। और इस तरफ ये ट्रेन है, अभी ये ट्रेन चलेगी शायद, आप तो देख सकते हैं। ओ तो दोस्तों ये ट्रेन चल चुकी है, आप देख सकते हैं चल रही है ये बच्चों के लिए। पहले हमने भी खूब झूला है इस पे। और गाइस सॉरी दोस्तों, इस तरफ गोलगप्पे की दुकान भी है, और इधर लस्सी वगैरह मिलती है। और ये देख सकते हैं आप, ये एयरप्लेन जो है छोटा वाला बच्चों के लिए। दोस्तों भाई बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, बहुत मजा। और ये फ्री है, आप है ना, आप पर आके घूम भी सकते हैं, भले कुछ यूज ना करें, आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, मतलब फ्री है, कुछ घूम सकते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं, घूमने के कोई पैसे नहीं पड़ते। तो जिस तरफ से मैं आया था उस तरफ से ना बस बोला कि अंदर जाना मेले में, तो आपको सब जाना बस। और ये इस तरफ देखिए कार वगैरह, और ये भी है इस तरफ ट्रेन। अब गाइस उस तरफ चलते हैं, सॉरी दोस्तों उस तरफ चलते हैं, अब उस तरफ चलते हैं, उस तरफ देखते हैं क्या है।